हायर आयर्की एकॉलॉजी फस्ट आ कॉन्टेंट्स एकलजी एकलॉजिकल हायर आयी ऑर्गेनिजम पापुलेशन कम्युनिटी एकोसिस्टम एंड द बायोस्फीयर फर्स्ट आ डेफिनेशन ऑफ एकॉलोजी एकोलॉजी बेसिकली ब्रांच ऑफ साइंस और ब्रांच ऑफ बॉयलॉजी डील विद द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम विद ईच अदर एंड विद दियर फिजिकल इन्वायरमेंट अगर हम सिंपली बात करें कि इकोलॉजी के अंदर हम दो चीज़ों को जो है वो फोकस करते हैं लिविंग इन इन्वायरमेंट के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद देयर फिज़िकल इन्वायरमेंट कि फिज़िकल इन्वायरमेंट के साथ उनका इंटरेक्शन किस तरह से है तो दो चीज़ों को हम जो फोकस करते हैं इन द इकोलॉजिकल स्टडीज़ आर इकोलॉजी अगर हम इकोलॉजी के अंदर देखें तो चूंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स हैं माइक्रोब्स हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स दे आर प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट सो द इन्वायरमेंट्स दे फॉर्म फार्म स्पेसिफिक हायरकिकल पैटर्न विद इन द आर द इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट सो वाट इज इकोलॉजिकल हायरकी हायरकी हम वैसे भी कहते हैं कि एक हमारे पास एक ऐसा पैटर्न है जिसमें हम एक ख़ास किस्म की कैटेगराइजेशन करते हैं कुछ एनिमल्स को हम एक लोअर लेवल के ऊपर रखते हैं उसके बाद हायर लेवल फिर हायर लेवल फिर आप तो जब हम किसी भी सिस्टम्स uh, के अंदर डिफरेंट लेवल्स बना देते हैं तो दिस दिस लेवल्स आर दे आर कॉल दायरकी है सो इकोसिस्टम सिस्टम जो हायरकी के लेवल्स हैं दे आर एक्चुअली हेल्पफुल इन स्टडिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट आर इको सिस्टम कि इकोलॉजी के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको स्टडी करने के लिए जो हर है जो लेवल्स ऑफ हरकी कल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सो इन इकोलॉजी देर आर फाइव लेवल्स ऑफ फायर एनिमल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने फाइव लेवल्स ऑफ फायर के अंदर डिवाइड किया हुआ है द फर्स्ट लेवल ऑफ फायर इज़ द ऑर्गेनिज्म लेवल द सेकेंड वन इज द पॉपुलेशन लेवल थर्ड वन इज़ द कम्युनिटी लेवल फोर्थ वन इज़ इकोसिस्टम लेवल एंड फिफ्थ वन इज़ द बायोस्फीयर लेवल सो ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ हायरकी इकोलॉजी के अंदर अगर हम देखें जो फर्स्ट लेवल जो बेस है सबसे जो नीचे वाला ग्रुप है हायरकी के अंदर दैट इज़ द लेवल। सो ऑर्गन इन लेवल वी स्टडी द सिंगल इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करते हैं इसी वजह से हम इसको समटाइम वी सेट इज द इंडिविजुअल लेवल ऑर्गेनिज्म लेवल भी कहते हैं उसको इंडिविजुअल लेवल इंडिविजुअल लेवल या ऑर्गेनिज्म लेवल के अंदर हम ये देखते हैं कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के अंदर अपना रोल कैसे प्ले कर रहा है हाउ सिंगल ऑर्गेनिज्म इज़ इंटरेक्टिंग विद इट्स इन्वायरमेंट आपके इन्वायरमेंट के अंदर ये किस तरह से वो इंटरेक्ट करता है सिंगल इंडिविजुअल में ह्यूमन हो सकता है इवन हमारे पास कोई एनिमल हो सकता है इट मेज भी बियर इट मेज भी डॉग इट मे भी लाइन किसी एक एनिमल को जब हम स्टडी कर रहे होंगे तो ये हमारे पास क्या होगा इंडिविजुअल लेवल होगा द सेकेंड लेवल इन इकोलॉजिकल हायरकि इज द पापुलेशन लेवल सो पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जब एक जैसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप मौजूद है जो सेम स्पीशीज से बिलोंग कर रहे हैं और किसी सेम जगह के ऊपर रह रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे इट इज़ अ पॉपुलेशन है यानी पॉपुलेशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज प्रेजेंट एट सेम एरिया एट सेम टाइम सेम स्पीशीज के मेंबर सेम जगह के ऊपर सेम टाइम के ऊपर जब मौजूद होंगे उसको हम क्या कहेंगे दैट इज द पॉपुलेशन है सो पॉपुलेशन लेवल के ऊपर हम देखते हैं कि एक पॉपुलेशन अपने इन्वायरमेंट से कैसे कि जो एनिमल्स जो होते हैं वो किस तरह से या पॉपुलेशन जो है किस तरह से इन्वायरमेंट के अंदर इंटरेक्ट कर रही होती है सो एट पॉपुलेशन लेवल वी स्टडी हाउ द मेम्बर्स ऑफ पॉपुलेशन दे आर इंटरेक्टिंग विद इच अदर हाउ दे आर लिविंग टूगेदर एंड हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद अदर मैंबर्स ऑफ जो है उसके इको सिस्टम के जो बाकी फैक्टर्स के साथ किस तरह से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं द थर्ड लेवल इन एकोलॉजिकल हाई लाइटी इज द कम्युनिटी लेवल सो नॉर्मल एट वन एरिया मैनी पापुलेशन आर प्रजेंट सो आल द पापुलेशन प्रजेंट एट वन एरिया दे कोलेक्टिवली कॉल द कम्युनिटी डिफरेंट पॉपुलेशन जो एक जगह के ऊपर मौजूद होंगी उसका हम क्या नाम देंगे कम्युनिटी का ले, नाम देंगे जैसे सिंपली अगर हम बात करें अगर एक इन्वायरमेंट है उसके अंदर डियर्स भी मौजूद हैं डर की पॉपुलेशन है, है. वहाँ बफलोज भी अगर वाइल्ड मौजूद हैं दूसरी पॉपुलेशन है इस तरह से अगर वहाँ जिराफ मौजूद है ये तीसरी पॉपुलेशन होगी इससे वहाँ ट्रीज मौजूद होंगे एक खास किस्म के एक तरह के ट्री एक पॉपुलेशन बनाएंगे दूसरी तरह के ट्री दूसरी पॉपुलेशन बनाएंगे ओवरऑल बहुत सारी पॉपुलेशन वहाँ मौजूद होंगी एंड कलेक्टिवली कोलेक्टिवलील द पॉपुलेशन दे आर कॉल्ड एज द कम्युनिटी उसको हम क्या कहते हैं ये एक कम्युनिटी स्ट्रक्चर है आमतौर तौर पर जितनी डिफरेंट टाइप्स की पॉपुलेशन या स्पीशीज़ मौजूद होती हैं वी से इट इज़ रिच इन डाइवर्सिटी तो जितनी कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशंस uh, होंगे उतनी ही उसकी डाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा होगी अगर उसके अंदर डाइवर्सिटी कम है तो हम कहेंगे जो सिंपल पॉपुलेशन कम्युनिटी है तो ये कम्यूनिटी जो है सिंपल है इसके अंदर डाइवर्सिटी जो है वो कम है वाट वी स्टडी इन कम्युनिटी इकोलॉजी अब कहते हैं कम्युनिटी लेवल के ऊपर हम इकोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं कम्युनिटी लेवल के ऊपर हम स्टडी करते हैं कि कम्युनिटी को बनाने वाली पॉपुलेशन आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं पॉपुलेशन लेवल पे हम देखते हैं कि पॉपुलेशन के अंदर जो मेंबर्स हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं कम्युनिटी लेवल जो कम्युनिटी पॉपुलेशन के मिलने से बनती है तो कम्युनिटी लेवल पर हम देखते हैं कि पापुलेशन हाउ दे इंटरेक्ट वन पॉपुलेशन इंटरेक्ट विद द अदर पॉपुलेशन इसके अंदर जो मेन चीज़ें डिस्कस की जाती हैं दे आर द द्रीडेशन कि लाइन्स की पॉपुलेशन किस तरह से डियर की पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रही है पैरासिटिज्म कि किस तरह से एक वर्म्स जो है इंसेक्ट्स या वर्म्स जो होते हैं उनकी पॉपुलेशन एक कैटल को इफेक्ट कर रही है इस तरह से हमारे पास कंपटीशन है कंपटीशन का मतलब है कि दो डिफरेंट टाइप्स की पॉपुलेशन एक जैसे रिसोर्स को यूज़ कर रही हैं तो वो आपस में किस तरह से कम्पीट करती हैं सो दीज आर द सम एट्रीब्यूट ऑफ दम्युनिटी लेवल जो है इसकी हायर की लेवल जो है इसका द नेक्स्ट इज द इको सिस्टम लेवल इको सिस्टम बेसिकली इट इज अ सिस्टम इन विच द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दे इंटरेक्ट विद ईच अदर जब एक कम्युनिटी अपने फिजिकल इन्वायमेंट से इंटरेक्ट करेगी इट विल बी कॉल्ड अ इको इसको हम एक सिस्टम का जो वो नाम देते हैं तो ईको के अंदर बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बायोटिक कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर दी ए बायोटिक कम्पोनेट्स जो है वो शामिल है तो इको में हम सिंपल देखते हैं कि किस तरह से जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं दे इंटरेक्ट विद द ए बायोटिक कम्पोनेट्स या फिर बायोटिक कंपोनेंट आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं इसके अंदर तो डिफरेंट फिजिकल फैक्टर जैसे टेम्परेचर वेदर या बाकी कंडीशन जो होती हैं वो भी इको के अंदर इस लेवल के ऊपर डिस्कस की जाती है द लास्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल हाईलाइट की इज द बायोस्फीयर लेवल बायोस्फियर इज द इकोसिस ग्लोबल इकोसिस्टम यानी पूरी अर्थ के ऊपर जहां जहाँ भी लाइफ मौजूद है उसको हम इकट्ठा कर ले तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा एक बायोस्फियर बन जाएगा चाहे वो लाइफ कहाँ मौजूद है अर्थ के ऊपर मौजूद है ओशन्स में मौजूद है लैंड के ऊपर है या एयर के अंदर माइक्रोवस मौजूद हैं तो अब सब कुछ अब कंबाइन डिस्कस करेंगे तो वी सीट इज़ द बायोस्फियर तो बायोस्फीयर यानी अर्थ का वो हिस्सा है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है सो so, बायोस्फीयर लेवल के ऊपर क्या फोकस होगा बायोस्फीयर लेवल के ऊपर हमारा जो फोकस है वो लार्ज स्केल फोकस होगा जियोलॉजी अर्थ की शेप किस तरह से है यानी कि उसके जो है ओवरऑल पैटर्न क्या है क्लाइमेट क्या है क्लाइमेट को हम बायोस्फीयर लेवल के स्टडी करेंगे वो इससे से वाटर अवेलेबिलिटी वाटर बॉडीज जो हैं वो कहाँ मौजूद हैं बायोस्फीयर में कहाँ मौजूद है कहाँ नहीं है इसको डिस्ट किया जाए देन लेटीट्यूड लेटिट्यूड कहते हैं कि उसकी जो है वो लेटीट्यूड और लॉन्गीट्यूड आपको पता कि अर्थ के दो डिवीजन करने वाली चीज़ें लॉन्गीट्यूड ना ली लंबाई के रुख और लेटिट्यूड मीन चौड़ाई के रुख जो है वो इमेजनरी लाइन हैं जो उसको डिवाइड कर रही हैं आम तौर पर लेटिट्यूड और लॉन्गीड के साथ इन्वायरमेंट चेंज होता है तो लिहाजा ये चीज़ें भी हम बायोस्फीयर लेवल के ऊपर डिस्कस करते हैं